नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे वन अपॉन एफ टी साइन एक्स तथा वन अपॉन एफ टी कोस एक्स की मान ज्ञात करना, जबकि एफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो अर्थात हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना है वन साइन एक्स का कोस एक्स का, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट हमें दी गई हो तब। और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि एफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देखो प्यारे छात्रों, वन अपॉन एफ टी साइन एक्स हमें ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, और फिर आगे उसका कुछ मैनिपुलेट करेंगे और उससे इसका वैल्यू वन अपॉन एफ डी साइन एक्स की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो प्यारे छात्रों देखो, हम ये प्रोसेस अपनाते हैं बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, अर्थात उत्तरोत्तर अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्तरोत्तर अवकलन से आप डेरिवेटिव ज्ञात करो किसका, साइन एक्स का। क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कोस एक्स, और इसके अंदर क्या आ रहा है, कोस के अंदर ए एक्स आ रहा है, तो ए एक्स का क्या होगा अवकलन, ए आएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आप ज्ञात करो किसका, डी स्क्वायर साइन एक्स का। तो डी स्क्वायर साइन एक्स का क्या आएगा, देखो डी इंटू साइन ए एक्स, ये ले लो और ब्रैकेट लगा दो डी, ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन कितना है, ए कोस ए एक्स, डी ए कोस ए एक्स। और कोस ए एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। क्लियर। इसी प्रकार से आप देखो किसकी, डी क्यूब, डी क्यूब याद करो, डी क्यूब साइन ए एक्स, ये क्या आएगा, डी इंटू डी स्क्वायर साइन ए एक्स। और डी स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही देखो, ये रही हमारे पास, तो ये आ गया डी माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। क्लियर। ये माइनस का ए स्क्वायर है, देखो यहाँ डी स्क्वायर है तो ये माइनस का ए स्क्वायर है, डी स्क्वायर है तो कितना है, माइनस का ए स्क्वायर। इसको ये तो अच्छा रहा, ए स्क्वायर तो माइनस के स्क्वायर, इसको बाहर ले लो, माइनस के स्क्वायर। अब साइन का अवकलन कितना होता है, ए कोस एक्स, ये रहा ऊपर, तो लिख दो इंटू ए कोस एक्स, तो ये आ गया माइनस का ए की पावर 3 कोस एक्स। क्लियर। इसी प्रकार से अब आप ज्ञात कर लो एक और, डी की पावर 4 साइन एक्स। डी की पावर 4 साइन एक्स को कैसे लिख सकते हो आप, डी डी की पावर 3 साइन एक्स। क्लियर। और डी की पावर 3 साइन एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस की ए की पावर 3 कोस ए एक्स। और इसको ये तो अचर है, ए माइनस ए की पावर 3 अचर। और डी कोस एक्स, ए एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन ए एक्स। देखो माइनस ये रहा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिख देना इंटू ए साइन ए एक्स। तो यहां से आ गया हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ से डिसिम्प्लाइज करके लिख देना, तो यहीं से लिख दो, आगे लिख लो, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए की पावर 4 साइन ए एक्स। क्लियर। ए की पावर 4 साइन ए एक्स। अब देखो यहाँ से आप ये लिख लो, डिसिम्प्लाइज डी की पावर 4 साइन ए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये आ गई माइनस का ए स्क्वायर, लिख सकता हूँ उसको, ए की पावर 4 साइन ए एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का ए स्क्वायर साइन ए एक्स में लिख सकता हूँ भाई। क्लियर। देखो अब थोड़ी सिमेट्री आ रही होगी, ये डी स्क्वायर आ रहा है तो माइनस का ए स्क्वायर आ रहा है, डी की पावर 4 आ रहा है तो माइनस का ए स्क्वायर 2 साइन ए एक्स। क्लियर। इसी प्रकार से इसी सिमेट्री को ध्यान रखो, इसी प्रकार से डी 2 की पावर एन, देखो एन की वैल्यू 2 रख दो कि 4 आ जाएगा, साइन ए एक्स कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर की पावर एन इंटू साइन ए एक्स। क्लियर। देखो डी स्क्वायर डी 4 डी 2 एन, इसको ध्यान में रखते हुए क्या आ गया हमारे पास, ये साइन ए एक्स आ गया, डी 2 एन साइन ए एक्स कितना आ गया, माइनस का ए स्क्वायर की पावर एन इंटू साइन ए एक्स। क्लियर। दिख रहा होगा आपको अच्छे से, देखो अच्छे से देख लो यार।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखो भाई, अब आपको क्या करना है, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू याद कर लो, एफ डी स्क्वायर। तो ये आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से, तो मैं यहाँ कर देता हूँ यहाँ पर, क्लियर? तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ से आप याद कर सकते हो एफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। भाई इन चीज़ों को मद्देनजर देखो, डी स्क्वायर है तो उसकी जगह क्या लग रहा था हमें कि इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर साइन ए एक्स आ रही है, और डी फोर की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का ए स्क्वायर की स्क्वायर साइन एक्स। तो डी फोर कितना, माइनस का ए स्क्वायर आया, सिमिट्री आ रही है, अर्थात डी स्क्वायर की जगह क्या रख दो आप, तो माइनस का ए स्क्वायर पुट कर दो। डी स्क्वायर जगह क्या पुट कर दो, माइनस का ए स्क्वायर पुट कर दो। ये हमें सिमेट्री से पता चल जाएगा, क्लियर? तो दिस इंप्लाइज यहां से एफ डी स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब आप क्या करो, दोनों तरफ लेट, आप क्या करो, दोनों तरफ वन अपॉन एफ डी स्क्वायर से ऑपरेट कराने पर, ऑपरेट कराने पर देखो, ऑपरेट कराओ क्या आ रहा है, वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू वन अपॉन एफ डी स्क्वायर एफ माइनस ए स्क्वायर और भाई ये साइन एक्स, क्लियर? अब देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से कितना आएगा, साइन ए एक्स इक्वल टू आ गया, और ये अचर राशि है, अचर राशि बाहर आ जाएगी, एफ माइनस का ए स्क्वायर वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स आ गई, क्लियर? और देखो एफ माइनस ए स्क्वायर इसमें इसमें भाग लगा दो साइन ए एक्स में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, साइन ए एक्स अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी, क्लियर? तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे, और जहाँ पर एफ माइनस ए स्क्वायर क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्लियर? तो क्या करना है अपने को, ये जो वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, साइन ए एक्स अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर आती है, वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स बराबर क्या आती है, साइन ए एक्स अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी इस प्रकार से आएगी। अब देखो आपको क्या करना है, जब हमें एफ डी जो ज्ञात करते थे, यही होता था ना एफ डी, ऐसे एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, एफ डी इक्वल टू एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, तो यह आता था। तो इसमें डी भी आएगा, डी स्क्वायर भी आएगा, डी थ्री भी आएगा, तो आप तो क्या करो, जो डी स्क्वायर है ना, उसकी जगह केवल क्या पुट कर दो, माइनस का ए स्क्वायर पुट कर दो। क्या समझ में आया, यदि वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन एक्स इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो, माइनस का ए स्क्वायर, अर्थात एफ डी के अंदर यदि डी स्क्वायर के टर्म्स आ रहे हैं, तो उनकी डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, केवल और केवल माइनस ए स्क्वायर पुट कर देना, और वहीं से हमारा आधा हल हो जाएगा, और फिर उसको थोड़ा और मैनिपुलेट करेंगे, और फिर उसको और सरल करके हम आसानी से उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम ज्ञात कर लेते हैं, क्लियर? ये समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट है भाई। तो अब आपको करना क्या है, आपको केवल इसको याद करना है, क्या करना है आपको, केवल इसको याद करना है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से ये और नोट कर लेना कि वन अपॉन एफ डी स्क्वायर, वन अपॉन एफ डी स्क्वायर कोस ए एक्स की वैल्यू कितनी आती है, इसमें भी डी स्क्वायर क्या रख देना, माइनस का ए स्क्वायर पुट कर देना, और ये कोस ए एक्स आ गया, क्लियर? तो एक इसको दोनों को एक साथ लिख लो, वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो आपको प्यारे छात्रों ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्लियर?
तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर?